हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो बहुत तगड़ी ठंड है। और मेरा आज इधर लास्ट डे है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घूमते हैं, शॉपिंग वॉकिंग करते हैं। लेकिन भाई साहब, ऐसी ठंड पड़ रही है इधर की कुछ मत पूछो। तो चलिए, अभी हम लोग आए हैं मार्केट में, इधर चाय वाय पीते हैं, ठीक है ना। थोड़ा चाय वाय पी के फिर इधर घूमेंगे, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है, कल घर जाना है वापस। तो आज जितना हो सकेगा यहाँ घूमेंगे, जितना हो सकेगा रिकॉर्ड करेंगे आपको दिखाने के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लिटरली मेरे हाथ ही नहीं निकल रहे थे जेब से, मैं बोल ही नहीं पा रही थी कुछ। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैंने चाय ले लिया, चलिए चाय पी लेते हैं फिर मार्केट चलते हैं। ये है यहाँ का लोकल मार्केट, आप देख ही सकते हैं चारों तरफ इसी तरीके से शॉप्स लगी होती हैं, यानी अंदर भी है, ये फुटपाथ में भी दुकानें थी और अंदर। फिर हमें दिखता है कि एक बैग की दुकान, तो मैंने कहा चलो यहाँ से सिस्टर के लिए बैग ले लेते हैं, उसके स्कूल बैग, उसकी कोचिंग बैग। तो देखिए, आप भी बताइएगा कमेंट में आपको कौन सा बैग अच्छा लगा। ये हमने बहुत सारे बैग देखे, फिर मैंने यहाँ से अपने सिस्टर के लिए एक बैग भी लिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्राइस अच्छी मिल जाती है, रीज़नेबल प्राइस होती है, आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब किसी और दुकान में चलते हैं, यहाँ से तो काम हमारा हो गया है, तो आगे चलते हैं, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना बाकी है गाइस। चलिए देखते हैं, कपड़े वपड़े की शॉप में चलते हैं, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगे तो ले लेंगे इधर से। वैसे एक बैग ले लिया है। फिर हम लोग आ चुके थे कपड़ों की दुकान पर, देख सकते हैं वो भैया जो हैं वो कपड़े निकाल रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। और फिर मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक ये जैकेट टाइप का पहना था, तो आप बताइएगा ये कैसा लग रहा है। अब टॉप टी शर्ट वगैरह देखने के बाद हम देख रहे थे इंडियन वेयर, यानी सूट टाइप का जो होता है ना, टू पीस, तो वो भैया वो भी दिखा रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत काफ़ी ड्रेसेस थी उनके पास, सारी बहुत सुंदर थी। अब हम देख रहे थे कुछ वेस्टर्न, ये भी है। मैंने यहाँ से कुछ कपड़े लिए थे, अब आप मेरे को बताइएगा कि मैंने कौन से लिए होंगे इसमें से, देखते हैं आप गेस्प कर पाते हो। गाइस, हम आ चुके थे सेकंड शॉप पर, वहाँ से हमें जितना लेना था वो हमने ले लिया था। यहाँ पर भी इन अंकल जी के पास भी काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन ये बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, इनका बिल्कुल फिक्स प्राइस था। तो चलिए देखिए, अच्छा लग रहा था, आपको भी ड्रेसेस अच्छी लगेंगी। अभी आगे और भी ड्रेसेस हैं, तो आप उनमें से बताइएगा। मैंने यहाँ से भी कुछ लिया था, तो ये आपके ऊपर है, आप गेस करिए मैंने कौन सा ड्रेस लिया होगा इधर से। ये देखिए, वाओ कितना ब्यूटीफुल सा ड्रेस है ये, देखिए कलर भी बहुत ही प्रीटी है इसका। मुझे तो सारे ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आप ये बताइए, आपके साथ ऐसा होता है जब हम किसी कपड़े की शॉप में जाते हैं तो शॉपकीपर हमें जितने कपड़े दिखाते हैं हमारा सारा लेने का मन होता है, हम या तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा नहीं लें, ये सोच में पड़ जाते हैं। फिर अगर हम कुछ डिसाइड भी कर लेते हैं तो उसमें भी हमें कन्फ्यूज़न होता है, हम तीन चार कपड़ों में ऐसे फंस जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड नंबर की शॉप पर, यहाँ पर भी बहुत ही प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थे, आप देखिएगा मैं आपको दिखा दूँगी आगे, बहुत ही मस्त ड्रेस था। हम लोग को ड्रेसेस अच्छी लगी थी, लेकिन वो डिस्काउंट दे नहीं रहे थे, तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पर बार्गनिंग। बहुत मज़ा आ रहा था कि आप लोग भी बार्गनिंग करते हैं ऐसे जब शॉप पर जाते हैं, और करना भी चाहिए, हम कस्टमर हैं, हमारा पूरा हक बनता है कि हम मोल भाव करें, पहले अच्छे से देखें समझें फिर खरीदें। ये पूरे तरीके से टायर्ड है, लेकिन शॉपिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, शॉपिंग टोटली कंटिन्यू है, पता नहीं कब तक करेंगे, देखते हैं। कैश वगैरह कुछ बचा नहीं है, लेकिन शॉपिंग फिर भी जारी है। ओके भाई, सबसे मज़ेदार इंसिडेंट वो था कि हम लोग के पास कैश जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मैंने शॉप वाले से बोला भैया कैश नहीं है, एटीएम किधर है, आप मेरे को लेकर चलो। तो मैं शॉप वाले के साथ ही एटीएम पहुंच गई। चलिए, अंकल के दुकान से हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बट अंकल ने डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने डिस्काउंट किया, हमारा रेट बिल्कुल प्राइस जो है बिल्कुल फिक्स है और सही प्राइस है, गलत हम लेते भी नहीं कस्टमर से, कस्टमर प्रायोरिटी होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। नहीं, वैसे भी अच्छा दुकान है, अच्छे सामान है, अगर इधर आओ तो इधर से सामान ले। प्राइस जो है ना वो बिल्कुल सही लगाते हैं और अच्छा लगाते हैं। चलिए, वैसे भी हम लोग की शॉपिंग डन हो चुकी है बहुत, ये पूरे थैले वैले भर गए, हिम्मत बची नहीं है, तो चलिए अब निकलते हैं इधर से। ओके, सो गाइस, शॉपिंग इज डन, अब हम वापस जा रहे थे घर। तो जाते वक्त मैंने कहा मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा नेचर दिखा दूँ,
तो यहाँ का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ ग्रीन 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 एंड ग्रीन, ग्रीन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ खेत खेत खेत। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो गार्लिक का खेती होता है, यानी गार्लिक मतलब लहसुन, फिर अनियन, ये सब ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो आप जितने भी खेत देख रहे होंगे ये सारे आपके लहसुन प्याज, फिर यहाँ पर सौंफ भी लगाए जाते हैं, और कहीं कहीं आपको थोड़े बहुत मस्टर्ड भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर गार्लिक की ही खेती होती है। मुझे आपको यहाँ का ये ग्रीनरी दिखाना था, इसलिए मैंने बोला कि चलो गांव वाले रास्ते से चलते हैं। अगर मेन रोड से आते तो मैं आपको ये सब नहीं दिखा पाती और ना ही मैं इनको इंजॉय कर पाती। गाइस ये देख सकते हैं ये आ चुके हैं मस्टर्ड, अब इधर पे मस्टर्ड ही मस्टर्ड थे, कितना ब्यूटीफुल लगता है यार। आप बताओ अगर आप ये सब लाइव देख पाते हो, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड इतना मस्त लगता है। इतने सुंदर फ्लावर आ रखे थे उन प्लांट्स में कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं जाऊँ इनके अंदर जाके पिक्स वगैरह क्लिक कराऊँ, थोड़ा सा मस्ती करूँ यहाँ पर, बट क्या करें, हम थक भी चुके थे तो हमें घर भी जल्दी जाना था, क्योंकि नींद भी आ रही थी, सोई भी नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ नहीं रुकी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माय गॉड यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मैं ठंड में पहले कभी नहीं आई, मैं पहले दो चार बार आ चुकी हूँ, तो मैं हमेशा गर्मी में आती थी, और गर्मी भी कसम से लाजवाब पड़ती है। ये है वाटर डैम, यानी कि इन खेतों में यहीं से पानी सप्लाई होता है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा नदी टाइप से था। तो फ्रेंड मैं शॉपिंग से वापस आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ, थक चुकी हूँ, क्योंकि करीबन 3-4 घंटे लग गए हमें वहाँ पर मार्केट में, और रात को मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि रात भर शादी चली है, सुबह के 5-5:30 बजे तक शादी चली है, इस वजह से सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो नींद भी बहुत ज़ोरों की आ रही है और थकावट भी बहुत हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे आप। अब मैं नहीं सोई ना तो मैं पक्का बेहोश होकर गिर जाऊँगी कहीं ना कहीं, तो चलिए 1-2 घंटे की नींद मार लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फ्रेंड शाम हो चुकी थी और मैं शाम को उठ गई थी, लेकिन मैं इतनी थकी थी कि थकान के कारण मुझे बहुत फीवर आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये मैंने नंदू का वेलकम हो रहा था, तो नंदू वापस आ चुकी थी। यहाँ ऐसा ही होता है कि जिस दिन दुल्हन विदा होती है उसी दिन शाम को वापस आ जाती है। फिर हम दोनों मिले और नंदू भी बहुत थकी हुई थी क्योंकि शादी में इतना वो सो नहीं पाई थी। फिर हम दोनों मिले, हम दोनों आराम से सो गए और आगे कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।